वाराणसी स्थित संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्र आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि कॉलेज ने 3 साल से कोई भी परीक्षा नहीं करवाई है और 2 वर्ष के पैसे ले चुके हैं। 2018-19 सत्र के छात्रों ने जब अपने विषय की परीक्षा को लेकर कॉलेज से जानकारी लेनी चाहिए तो कॉलेज ने झूठी दलीलें पेश कर दी। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। वहीं काशी विद्यापीठ के कुलपति से पूछने पर पता चला कि कॉलेज मान्यता विहीन है। इस पर छात्रों ने परिसर में धरना शुरू कर दिया। कल की न्यूज में आया है कि सत्र 18-19 दोनों की मान्यता रद्द होने के कारण कॉलेज का एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन कॉलेज में लगातार पढ़ाई हो रही है। 19-20 की कैसे पढ़ाई हो रही है? विद्यापीठ जब मान्यता नहीं दी हुई है तो वहाँ क्लास कैसे चल रहा है? और हम लोगों के साथ ये 4.5 साल का कोर्स है, 3 साल कोर्ट कचहरी में बीत गया। इन्होंने हम लोगों को अंधेरे में रख के क्लास वो एडमिशन लिया। हम लोगों को इस बारे में वही ये होनी चाहिए कि हम लोगों का समायोजन होता है, एक नियम है इसका, जांच बैठा के समायोजन होता है। और कॉलेज की तरफ से जैसे विगत 2.5 वर्षों से पेपर नहीं करा पाई है, उसको कॉलेज लिख के दे कि 2.5 वर्षों से पेपर कराने में असमर्थ रहे हैं। अब विद्यापीठ लगातार हम लोग कई बार वहाँ गए, उन्होंने साफ साफ बोल दिया मान्यता नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, ये कहती हैं कि संस्था हमारे कॉलेज कोर्ट से, अरे कोर्ट संस्था किसी मान्यता देती है कॉलेज चलाने के लिए? कोई ऐसा वो नहीं है। छात्रों की शिकायत है कि लगातार ऋतु गर्ग के खिलाफ कार्यवाही करने की अपील के बावजूद पुलिस प्रशासन टाल मटोल कर रही है। लगभग 1 साल से छात्र इसी तरह परेशान होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी क्रम में छात्रों का एक समूह आज बैनर पोस्टर के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। छात्रों से मिली जानकारी अनुसार कॉलेज की संचालिका ऋतु गर्ग ने पुलिस से गहरी पैठ होने की बात कही है। साथ ही किसी खास राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण उन पर कार्यवाही नहीं हो रही। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर छात्रों ने संतुष्टि कॉलेज और ऋतु गर्ग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है, मैं संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 2018-19 का छात्र हूँ। हम काउंसलिंग के द्वारा आए थे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट आए थे। मैडम ने पैसा लिया हमसे, 2 साल फीस ली, और हमें अब पता ये चल रहा है कि हमारी कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। वहाँ के काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर जी ने बताया कि आपकी कॉलेज की CCIM से मान्यता नहीं है। और यहाँ पर हमसे SHO साहब अभी 9 दिन से हम लगातार धरना कर रहे हैं। SHO साहब और CO साहब भी आए थे, और हमारी ये मांग है कि हमारा कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब मैडम हमारी परीक्षा नहीं करा सकती, डॉक्टर ऋतु गर्ग जो इसकी डायरेक्टर है, हमारी परीक्षा कराने में असमर्थ हैं, तो हमें दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया जाए और मैडम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। यहाँ पर ये सब बोल रहे हैं कि मैडम बोलती हैं खुद ही कि मेरे हाथ में प्रशासन है और मीडिया मेरा मेरी कठपुतली है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हम यहाँ पर आए थे ACM साहब से मिलने, ACM साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, 8 महीने से कोई जांच नहीं हुई है हमारी। 8 महीने हो गए इस बात को, कोई जांच नहीं हुई है, कोई निष्पक्षता से जांच नहीं हुई, हमें कोई जवाब नहीं मिला है सही। तो हम इसलिए आए थे यहाँ पर। हम 100 लोग हैं, 2018-19 के 100 छात्र हैं, और हर छात्र ने 8-9 लाख रुपया दिया है। हर एक छात्र ने सबसे अलग अलग फीस वसूली है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम मैडम के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई, और हमारा कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैडम साफ साफ लिखित में दे दें कि हम परीक्षा कराने में असमर्थ हैं और हमें NOC दे दी जाए। काशी विद्यापीठ ने बोला है कि वो पेपर कराने में असमर्थ है, संतुष्टि कॉलेज का पेपर नहीं होगा। तो हमने संतुष्टि कॉलेज के छात्र तो हमारा ट्रांसफर किया। 100 हैं संतुष्टि के, 100 बच्चे हैं 2018 बैच के। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।